बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, आपको MSJ का सलाम पहुंचे। मैं एस्ट्रोलॉजी का एक छोटा सा तालिबे इल्म हूँ। हमारे साथ आज मौजूद हैं शबीर खोकर साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्म अदात का इल्म रखते हैं। इनसे ही पाकिस्तान के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत सी चीज़ें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं जी सर। तो आप बताएं फिर कि इल्म अदात के हवाले से, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से इमरान साहब का साइचा, उनके बुर्ज कौन सा है और तो उनके लिए हालात क्या होने वाले हैं? अच्छा, पहले तो मैं ये वाजे कर दूँ कि जो लोग समझते हैं ना कि एक बुर्ज फलां बंदे का होता है, ये बड़ा महदूद इलम की निशानी है। एक हम ज़्यादातर बुरूज को लेते हैं, उसके एक महीने के अंदर जो बंदा पैदा होगा तो उसका वो बुर्ज होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। वो हम सिर्फ सूरज के रेलिवेंस में चीज़ों को देखते हैं। सूरज उस वक्त किस बुर्ज में था, जबकि इससे आगे जो चीज़ें जाती, जब इंसान पैदा होता है तो उस वक्त कौन सा बुर्ज शुरू था, जबकि सारे 12 बुर्ज 24 घंटे में काफ़ी कुछ 2-2.5 घंटे के लिए एक बुर्ज जो शुरू होता है, फिर अगला बुर्ज आ जाता है। तो ये ज़रा ज़्यादा टेक्निकल बात है। बहरहाल इमरान खान साहब के, अच्छा इसके अलावा ये भी हो सकता है कि बेशक एक बंदे का जो सूरज के हिसाब से बुर्ज और हो, लेकिन उस पर असरात ज़्यादा किसी और बुर्ज के बाद में, तो उसमें ये भी फिर देखा जाता है कि कौन सा बुर्ज ज़्यादा अच्छी हालत में है, इसका सितारा कभी है, चाहे उस बंदे का वो बुर्ज नहीं है लेकिन उसके ऊपर उसके असरात गालब आ जाते होते हैं। तो इमरान खान को मैं अपने पर्सनल जो मेरा असेसमेंट है, एनालिसिस है, इन पर लिब्रा और वर्गो दोनों के असरात हैं। वर्गो के असरात जो हैं वो मुझे ज़्यादा वाजे नज़र आते हैं अक्सर बाद के ऊपर। फिर लाइफ के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ बुर्जों के असरात भी हो सकते हैं। मसलन वर्गो वाले जो लोग हैं वो बड़े बेहतर एथलीट्स होते हैं, बड़ा बेहतर खिलाड़ी रहा है उसकी, पर यह शहरत और उसकी जो इनिशियल उसकी जो स्टैंडिंग है वो ही गेम से है। उसके बाद कसीर रजवाद हो सकते हैं, तो वो भी उनके साथ रेलिवेंट करता है। फिर ये बड़े मेहनती और मुसलसल थकी करने वाले लोग होते हैं। स्पीच इनका जो होता है वो इनका खासा होता है, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग इनकी पर्सनैलिटी, मतलब कुछ यूज दैट इज़ कम्युनिकेशन। तो आप देखते हैं कि वो बाकी लोग भी बात कर रहे होते हैं और ये भी बात कर रहे होते हैं, ज़्यादा लोग पता नहीं ये कितना सच बोलते हैं कितना झूठ बोलते हैं, लेकिन लोगों को यकीन है कि ये सच बोलते हैं, मतलब इतना कन्विंसिंग इनकी पावर है। और दूसरे लोग पता नहीं कितना सच बोलते हैं कितना झूठ बोलते हैं, लेकिन अब आप जनरेशन को देखें, मीडिया ट्रेंड से आपको पता लगता है कि लोग इनको बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, इमरान खान साहब को या उनकी बात को वेटेज देते हैं। तो इनके ऊपर मेरे ख्याल में तो वर्गों के ज़्यादा असरात हैं, लिहाजा वर्गों को अगर ये हिसाब से देखें और इवन लिब्रा के हिसाब से भी देखें, क्योंकि अभी जो आने वाले चंद महीने हैं, स्पेशली दिसंबर 2023 के एंड तक, आखिरी हफ्ते तक या दिसंबर पूरा ही अब पहले अब से आगे, वो ज़रा क्राइसिस में है, रिलीफ बहुत कम है, क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, खासतौर पर लीगल मैटर्स में, अजवाही मामला में। उसके अलावा जो है वो इन चीज़ों में क्राइसिस ही है भारत साहब। सर आपने बात की कि उनको लीगल मामला में क्राइसिस है, इमरान खान इस वक्त जेल में, तो सर उनको रिलीफ कम मिलेगा? भी लगता है कि वो जेल से जल्दी बाहर आएगा कि लंबी जेल में? इनका वैसे तो जो लीगल मैटर्स हैं वो बड़ी स्ट्रेंथ में उन्होंने इनको काबू किया हुआ है और लंबे चलने वाले हैं, लेकिन उस लंबे पन में भी बीच में कुछ कुछ ज़रा कंपेरेटिवली लेस डिफ़िकल्ट टाइम आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी उनका जो रिसेंट जब हम बात कर रहे हैं, तो दोनों के ही हैज़ बीन अरेस्टेड, इसमें उनको मोस्ट पॉसिबली इस वीक में कोई रिलीफ मिल सकता है। अगर उनको कोई रिलीफ मिलता है तो उनके सितारे या बुध के हवाले से बुध का दिन, जुमे का दिन और हफ्ते का दिन कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं, और उसके बाद आप अगर वक्ती तौर पर उनको रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन फिर ये 2 हफ्तों के बाद यानी कि 22-23 अगस्त से लेकर कोई 15 अक्टूबर के दौरान उनका आप कह लें कि फिर दोबारा क्राइसिस डेवलप हो सकता है, क्योंकि मरकरी उनका रूलिंग प्लैनेट है। मरकरी की यह खूबी है कि ये बंदे को बड़ी जल्दी से इज्जत आबरू को उसकी को बढ़ाता है, और जब ये रिवर्स चलता है जो कि ये 22 अगस्त से चलना शुरू हो जाएगा, तो फिर ये डीमोटिवेट भी करता है और उसको डी वैल्यू भी कर देता है, और जो उसकी एनर्जीज हैं वो ज़रा कम हो जाएंगी, तो फिर इनका यही मतलब है कि बाकी इनका कानूनी मामला इनको मजीद डेवलप या ग्रिफ्ट मजीद मजबूत कर सकते हैं। लेकिन 15 अक्टूबर के बाद फिर ये क्योंकि स्टेट चलेगा, अपने ही घर में चलेगा, शर्फी बुर्ज में अपने में आ गया होगा, तो फिर दोबारा से कोई रिलीफ का पहलू नहीं कर सकता। तो ये इस तरह के सिलसिला किसी हद तक चलेगा, लेकिन बहरहाल ओवरऑल जो पोजिशन है वो यही है
उनके लिए ये थोड़ा मुश्किल टाइम है, उनको अपने लीगल मैटर्स को लाइटली लेना चाहिए, बहुत केयरफुल होना चाहिए, अपनी हेल्थ के मामले में बहुत केयरफुल होना चाहिए और अपनी जो लाइफ सिक्योरिटी है उसके बारे में भी काफ़ी केयरफुल होने की जरूरत है एज पर एस्ट्रोलॉजिकल रीजन्स। सर अभी आपने उनकी लाइफ के बारे में बात की, उनको लाइफ के बारे में बड़ा केयरफुल होना चाहिए, क्या उनकी ज़िंदगी को वाकई खतरात हैं उनके पे? अगर हम दायचे की बात करें, उनके बुर्ज के वाले बात करें, वाकई कोई इतने खतरे उनकी लाइफ? देखिए ना, हमारे मुल्क की एक तारीख रही है कि जो भी ऐसी शख्सियत होती है जो मुल्क को जोड़ सकती है, मतलब उनकी फार्मी इंटरेस्ट चारों सूबों में हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल जुल्फकार अली भुट्टो साहब थे या रेंजी साहिबा थे और फिर कहने के मुख्य बनवास शेख साहब भी हैं, तो मतलब एक नेशनल लेवल के जो लीडर होते हैं उनको जो हमारी नेगेटिव ताकतें हैं या जो हमारे दुश्मन अनासर हैं पाकिस्तान के, उनके लिए तो वो एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट टारगेट होते हैं। वो समझते हैं कि इतना क्योस अगर है तो अगर ये बंदा जो कनेक्ट कर रहा है सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस को, बैरियर को तोड़ रहा है, मतलब सूबाई जो बैरियर्स हैं उनको तोड़ रहा है, छोटे छोटे जो हमारे सेक्टेरियन बैरियर्स हैं उनको तोड़ रहा है, तो ज़ाहिर वो अपना फिर, और फिर उसके बाद अगर उन पर खुदा न खास ऐसा कुछ मसला होता है तो फिर उनका जैसे आजकल हालात डेवलप हुए हुए हैं वो मे भी हम अंदर ही कोई ढूंढना शुरू कर दें कि इसने इनका नुकसान किया है, तो वो ऐसे कोई टारगेट को देख रहे होते हैं कि जो मज़ीद के औस पैदा कर सकते हैं, और उनको जैसे कि हम अखबार में भी देखते रहते हैं, मीडिया पर भी सुनते रहते हैं कि उनको मतलब इशू हुए भी हैं कि अपनी सिक्योरिटी को बेहतर रखें, हमारे जो इंटीरियर जो मिनिस्ट्रीज होती हैं जो भी इस चीज़ को डील करते हैं जैसे वगैरह कि अपने आप को आप एहतियात करें, वो हमने देखा उधर से। और अगर हम प्लानिटरी पोजिशन को देखें जिसमें भी यही रीजिंग आ रही है कि उनको एहतियात करनी चाहिए, अगर बात करें सेंसिटिव टाइम है उनको एहतियात करनी चाहिए। सर अगर बात करें लिब्रा की, तो लिब्रा के जो जितने ख़ास लोग होते हैं जिस पे उनको ज़्यादा भरोसा होता है और इन टाइम पे उन्हें धोखा दे देते हैं, तो क्या बुशरा बीबी भी खान साहब के ख़िलाफ़ वादा माफ़ हुआ बनने जा रहे हैं? इस बारे में तो हम अभी इतना क्लियरली नहीं कह सकते। अगर हम लिब्रा की बात करें तो लिब्रा का रूलिंग प्लानट जो है वो भी वीनस है और बुशरा बी से शुरू होने वाला ये रूल जो है वो अगर मेन फर्स्ट लेटर से हम देखें तो ये टॉरस उसका भी वीनस ही है, तो बेसिकली ये अच्छा प्लैनेट होता है, साथ ही असगर इसको बुना जाता है और पॉजिटिव पारोलिक प्लैनेट होते हैं। लेकिन एक चीज़ जो सामने बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है एस्ट्रोलॉजिकली वो ये है कि इमरान खान का जो वाजी तौर पर इनकी उम्र बीजेपी की जुदाई के बहुत ज़्यादा इम्कान है। अब वो जुदाई अपारेंटली तो यही लग रहा है कि उनकी अरेस्ट की सूरत में या जेल जाने की सूरत में हो सकती है, लेकिन ये भी सिचुएशन ऐसी भी डेवलप कर दें कि जो आप कह रहे हैं कुछ किस तरफ भी हालात चलेंगे, कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग उनको छोड़ गए हैं जो उनके बड़े टाइम टेस्टेड फ्रेंड्स थे, तो अब इस बारे में भी पता नहीं कितना प्रेशर वो बर्दाश्त कर सकते हैं या किस सिचुएशन में हैं, या अगर से अगर क्लियर चले जाते हैं तो मे भी ऐसे सोच पर हम क्लियर नहीं कह सकते कि डाइवोर्स की बात अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो उस बारे में इतना क्लियर नहीं, लेकिन बहरहाल हाँ अलगवादी तौर पर उनकी किसी न किसी शक्ल में सर्वेशन मे भी वो उनकी लॉन्ग रेस्ट की शक्ल में हो, मे भी किसी और वाले से हो जाए, तो उसके इशारत काफ़ी ज़्यादा चीज़ में आ रहे हैं। सर थोड़ा सा हफ्तारों के बाद क्या इमरान खान पाकिस्तान से बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं? बाहर जाने का जो उनका टाइम उनको थोड़े दिन पहले ज़्यादा अहम था, अभी वो पैसे गुजर चुका है, नए साल में इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है, नए साल में 2024 में एक दफ़ा इसकी पॉसिबिलिटी, पहले पॉसिबिलिटी बड़ी थी फिर कम हो गई, अभी तो दोबारा बढ़ सकती है, लेकिन अपनी इसके बारे में नहीं, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी इम्कानत की नीयत बदल सकती है, पहले ज़्यादा इम्कानत थे, अब जो है वो बड़ा थोड़ा सा इसमें स्टॉपेज आया हुआ है, लेकिन आफ्टर 3-4 मंथ्स फिर दोबारा इसके इम्कानत बढ़ सकते हैं। सर एंड पे पाकिस्तानी आवाम के लिए कोई मैसेज? पाकिस्तानी आवाम जो है वो अभी सब्र से काम ले, इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आएगा, हम में से ही हैं लोग जो हमारे लीडर्स भी हैं जो भी साहबानी इकदार हैं, हमारी तहसील के कौम जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर होने वाली हैं, हमारा शौरी जो लेवल है वो बेहतर होना चाहिए, हमारे अंदर जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं एक माशरे के अंदर वो बड़ी हेल्दी किस्म की चीज़ें होती हैं, टॉलरेंस जैसे है,
शौरी तौर पर मुझे करना चाहिए, अपने बच्चों को अखलाकियात में बेहतर करना चाहिए। अखलाकी तौर पर जो अच्छे लोग हैं उनको हमारे माशरे में बड़ा बेहतर इसका था। पहले लोग देहातों से जो हमारा ताल्लुक है, तो कोई बंदा अगर किसी मामले में किसी से कहता था ना फलां बंदा अगर तुम्हारी कसम दे दे तो मैं ये चीज़ छोड़ दूँगा, और लोग झूठी कसम नहीं उठाते थे। हमें बस अपनी वैल्यूज को बेहतर करना है, अच्छाई को बढ़ाना चाहिए। दौलत सारी ज़िंदगी काम नहीं आती, उतनी इज्जत अच्छाई ही होती है, उतनी किसी में नहीं होती। अखलाकियात हमारे नबी ने भी यही फरमाया कि अखलाकियात जो है उसका बहुत ज़्यादा फजल है आपकी ज़िंदगी में। दौलत से लोगों ने बड़े लोग आपके मुआशरे में आप गर्व कर सकते हैं, दौलत थोड़ी ज़्यादा लेकिन इज्जत नहीं होगी। तो अगर आप अखलाकी तौर पर बेहतर करेंगे मुआशरे के ऊपर, फिर हमारे अच्छा हाल। सर बहुत शुक्रिया आपका। अपना अपने दोस्त साहब आपका बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे और शबीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।